Oh, what did you do today? I did a go to London and go to a pool. You'll go to pool? Yeah. Okay. But what, what did you do now? You put a pony? I put a pony. Come up, show me a pony. I want it. You what? Is it it pretty, What? It's very pretty yet. Right? Turn around Wow yes, it's very It is very pretty Mashallah your hairs are becoming big Yeah Take for me once. yet? what? I will be big and then down my hair like like mommy Oh, so cute like you, took, you took a, a bath now? Bat. Took a bath. Yeah. And then you Do subscribe to my channel. Do. To my channel. My channel. Subscribe. Subscribe in my channel. What? Subscribe. Subscribe in my channel. What? <laughs> <laughs> अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं और आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि फ़िश फ्राई किस तरह से बनाते हैं उसके लिए हमें लेना चाहिए टू टेबल स्पून ऑफ़ लेमन वन टेबल स्पून ऑफ़ चिली हाफ़ अ टी स्पून ऑफ हल्दी वन टी स्पून ऑफ़ कोरिएंडर पाउडर वन टी स्पून ऑफ़ चाट मसाला वन वन एंड हाफ़ टी स्पून नमक हसबे जायका अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट कुटी हुई काली मिर्च वन टी स्पून और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें गिव इट अ गुड मिक्स ये बहुत ही यमी फिश मसाला है इसे ज़रूर ट्राई करिएगा चटपटा बनता है एकदम टेस्टी देन यू नीड इज़ मेहरान का फ़िश फ्राई मसाला है ये ये अराउंड वन एंड हाफ़ टेबल स्पून टेबल स्पूनों के वन एंड हाफ़ टेबल स्पून आप लीजिए और अकॉर्डिंग टू योर क्वानिटी ऑफ फ़िश मेरी अराउंड आई थिंक ट्वेल्व पीसेस थे वो फ़िश के तो ये नाइन पीसेस ऑफ फ़िश के लिए है और थोड़ा सा पानी ऐड कर लें पेस्ट बनाने के लिए और देखें जी आपका पेस्ट तैयार हो जाएगा अच्छी तरह से अगर आप चाहते हैं तो आप थोड़ा सा ऑयल भी डाल सकते हैं इसमें वन टीस्पून अराउंड ऑयल लेकिन मैंने नहीं डाला है यमी और ये है जी फिश शेरी थी ये यहाँ पर इसे शेरी कहते हैं आई डोंट नो इंडिया में इसे क्या कहते हैं तो मैं इस तरह से पेपर टाल पे उनको ड्राई कर लेती हूँ कम्प्लीटली उनका पानी सोक आउट कर देती हूँ दो तीन टाइम इस तरह से और ये बहुत ही थिक स्लाइसेस बना कर लेकर आ गए थे शजात इस दफ़ा तो मुझे बीच में से स्लिट करना पड़ रहा है अदरवाइज़ ये जितना मैं स्लिट कर रही हूँ उतना एक पीस होता है तो वो बहुत ही टेस्टी बनती है लेकिन ये बहुत थिक थे तो मुझे बीच में इस तरह से स्लिट करना पड़ा ताकि मसाला अंदर तक जाए आप भी अगर कभी थिक कर बना लें तो इस तरह से बीच में स्लिट कर लें तो इट विल बी वेरी नाइस हल्के हाथों से पकड़ के आप बीच से स्लिट कर दें और चाकू को बहुत तेज़ होना होता है शार्प नाइफ लें और इस तरह से बीच में स्लिट कर लें एंड नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई द मसाला अच्छी तरह से उसमें मसाला कोट कर दें आप Give it a good massage. और ये फिश है जी हमारी एक और स्पेशल मेंबर के लिए हमारी स्नूपी द डैत उसके लिए मैंने फ़िश बॉईल कर लिया पानी में सिंपल बस पानी में इसको बॉईल कर लेना है और शी विल आल्सो बी वेरी हैप्पी उसको तो हम लोग भूल ही नहीं सकते हम लोग जो भी खाते हैं उसमें उसका भी एक हिस्सा होता है शी इज़ शीज़ा फैमिली मेम्बर और यहाँ पे देखें मैंने फ़िश को मसाला लगा दिया है इट्स कम्प्लीटली डन अभी मैं इसको मैरिनेट के लिए छोड़ देती हूँ अराउंड फाइव टू सिक्स आवर्स अभी हो रहे थे अराउंड थ्री फोर्टी फाइव फोर ओ तो ये हो गया है डन इसे अच्छी तरह से मारिनेट के लिए मैं छोड़ दूँगी और अभी लग गई थी नदा को भूख तो शी वॉन्टेड ब्रेड एंड न्यूटेला तो मैं उसको ब्रेड एंड न्यूटेला बना रही थी ये लोग खाना इतनी ख़ुशी से नहीं खाते चावल इतनी ख़ुशी से नहीं खाते रोटी भी उनको इतनी पसंद नहीं है तो इस तरह की ही चीज़ें वो लोग लेते हैं खाना मैं दो टाइम बड़ी ज़बरदस्ती से उसे खिलाती हूँ तो अदरवाइज़ इस तरह से वो आराम से खा लेते हैं तो मैं वही देती हूँ जो उस आराम से खा ले वो खुशी से ना कि रोते हुए What are you <laughs> और जैसे उसने ब्रेड खाया खा के मैं किचन में गई आकर देखा तो वो फ्लैट हो गई थी सो गई थी वॉज लुकिंग सो क्यूट टीवी देखते देखते ही अभी मैं उसको ब्रेड खिलाकर अंदर गई हूँ प्लेट रख के आने के लिए थोड़ा सा मुझे काम था किचन में जब वापस आई तो मैंने देखा शी फ्लैट <laughs> सो गई और ये देखें जी मेरी स्नूपी इन्जॉय कर रही है अपना डिनर शी वॉज़ वेरी हैप्पी और फिर था सबसे बोरिंग काम जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कपड़े फोल्ड करना और इतने कपड़े पड़ते हैं इतने कपड़े पड़ते हैं और मैं कलर अकॉर्डिंगली वॉश करती हूँ तो सारे कपड़ों को इकट्ठा कर कर वॉश करती हूँ तो दो तीन दिन तो उसी में लग जाते हैं इट्स रियली बोरिंग तो अभी ये बच बैच सूख रहे थे तो मैंने जो पहले सूख गए थे कपड़े उनका अलग कर दिया और थोड़े जो फ़ोल्ड करने वाले थे उनको फ़ोल्ड कर दिया और जो हैंगर में डालना था उनको हैंगर में डाल दिया और जो बेड कवर्स थे उनको फ़ोल्ड करके अंदर रख दिया तो अभी देखें नीट एंड क्लीन रूम मेरी एक अलग सा सुकून मिल जाता है जब कमरे वगैरह सब साफ हो जाते हैं नीट हो जाते हैं ये कपड़ों का जब होता है तो एटलीस्ट दो तीन दिन ये रूम ऐसी पड़ी होती है तो इस वजह से जैसे ही ये दो तीन दिन के बाद क्लीन होती है तो मुझे इतनी खुशी होती है इस रूम को देख के ये बिल्कुल साफ हो गया अभी ये बैच अभी भी है मुझे इनको भी फोल्ड करना है हैंग करना है एंड समथिंग स्पेशल इज़ ऑल्सो कमिंग दिस वीकेंड इंशाला सो आई टेल यू इनशालाप सो कि ये हो जाए सो लेट्स सी वॉट हैपन्स और ये देखें अराउंड फाइव ओ का टाइम है अभी अभी भी कितनी धूप है यहाँ पे और अब हो गया था डिनर टाइम तो मैं फ़िश फ्राई कर रही थी ये है बेसन का आटा उसको आप इस तरह से ट्रे पे डाल लें पहला लें और थोड़ा थोड़ा सा बेसन जो है आप अपने फ़िश के ऊपर लगा दें ज़्यादा भी ना कोट करें अगर आप ज़्यादा कोट करेंगे तो सारा तेल में उतर जाएगा वो जितना नीडेड है बस उतना ही और इस तरह से मसाला बिल्कुल भी नहीं हटता और फ़िश क्रिस्पी होती है देखें बिल्कुल मसाला नहीं उतरेगा और आपकी फ़िश भी अच्छी तरह से क्रिस्पी बनेगी क्योंकि ये बहुत ही थिक फिलेट्स थे तो इस वजह से मुझे ये एक्स्ट्रा काम करना पड़ा अदरवाइज़ मैं ऐसे ही डायरेक्टली उतार देती हूँ और डिनर करने के बाद थोड़ी देर के लिए हम लोग बाहर निकल गए बच्चे बोर हो रहे थे तो हमने सोचा कि जूस भी कराते हैं और फिर हम लोग निकल पड़े और हम लोग गए अलमाज यहाँ पर है अलमाज रेस्टोरेंट तो वहाँ पर हम लोग जूस के लिए चले गए जूस पीने के लिए जस्ट फॉर टाइम पास ऐसे ही बच्चे बोर हो रहे थे और ये आज ऑफिस से दोपहर में भी नहीं आए थे तो अराउंड ट्वेल्व आवर्स के बाद वो घर आए तो बच्चे बोर हो गए थे तो बस एक हाफ़ एन आवर के लिए उन लोगों को बाहर लेकर गए जूस पिला कर वापस आ गए बस इतना भी अगर हो जाए तो बच्चे खुश हो जाते हैं वैसे छुट्टियां हैं तो बहुत बोर होते हैं अगर स्कूल्स हैं तो वो अपनी रूटीन में बिजी होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती अभी छुट्टियां हैं तो दे गेट बोर्ड और क्या करेंगे दिन भर टी कितना टी देखेंगे कितना खेलेंगे कितना टैब यूज़ करेंगे तो इस तरह से थोड़ी देर के लिए हम लोग बाहर आ गए जूस वूस पी के वापस बैक टू प्रवेलियन होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉर्गेट टू प्रेस द बेलाइकन थैंक यू बाय